सामाजिक नियमों के तरह पुरुष क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? वो लोग कर सकता है काठी फाड़ना सकता है, काठी को काटना सकते हैं, फिर वो लोग घूमने फिरने सकते हैं, फिर वो लोग क्या नहीं करने सकते हैं? वो लोग झाड़ू नहीं करने सकते हैं, वो लोग बर्तन नहीं मांजने सकते हैं, वो लोग खाना नहीं बनाते हैं, वो लोग पियान नहीं बनाते हैं। बेड में चल सकते हैं और काम जा सकते हैं। क्या काम नहीं कर सकते हैं? लुगा धोने नहीं सकते हैं और सब करने नहीं सकते। पुरुष घर चला सकते हैं, अपना रोजगार चला सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं, लड़के फुटबॉल सभी खेल सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? लड़के लड़कियों जैसे काम नहीं कर सकते, जैसे बर्तन मांजना, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सब। पुरुष सभी काम कर सकते हैं, महिला की हर काम में मदद कर सकते हैं। रात रात भर रास्ते में घूमना, कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होने से वहाँ पे पहुँच जाना, ये सब वो महिला नहीं कर सकते, सब पुरुष ही करते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरुष हर कार्य कर सकते हैं, पुरुष को किसी भी कार्य क्षेत्र पर कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। सामाजिक नियमों के तहत महिलाएं क्या कर सकती है और उसे क्या करने की अनुमति नहीं है? कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, जैसे कपड़े धो सकती है अच्छी तरह से, खाना पका सकती है और घर को अच्छी तरह से चला सकती है। और लड़कियों को क्या नहीं करने का अनुमति है? लड़कियों को बाहर किसी देश या बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अकेले किसी को साथ ले जाना होता है। महिला जो भी काम करती है उसमें सबसे पहले पुरुष ही उसका मतलब उसे मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, तुम एक महिला हो, ये सब बोल के उसे रोकते हैं। हम लोग कभी भी कहीं भी आज तक हमें महिलाओं को ये दर्जा नहीं दिया गया है कि वो कहीं भी रात को कहीं भी जा सके। सामाजिक नियम के तहत महिला क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं? खाना पका सकते हैं, लुगा धो सकते हैं और काम जा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? पेड़ में चढ़ नहीं सकते हैं, झाड़ू गाते हैं, वजन मारते हैं। और क्या क्या नहीं कर सकते हैं महिला? काठी नहीं फाड़ते हैं। मान लीजिए आज समाज के दायरे में ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज में बहुधा देखने को मिलता है कि महिलाओं को ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को हर कार्य करना चाहिए। आज जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर के क्षेत्र में हो या वकील के क्षेत्र में हो या कोई मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और सेवा तो कार्य करते ही हैं, इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे महिलाओं को आगे आना चाहिए। क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए? समाज में महिला और पुरुष की दर्जा एकदम बराबर होना चाहिए, लेकिन अब ये कहावत बन के रह गई है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पुरुष हर काम, पुरुष का हर बात में छूट है और महिला का कुछ भी छूट नहीं है। क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बोल ये अपना व्यक्तिगत मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, इनमें दोनों को समान समान अधिकार है।
क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए? क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए?